शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और आज मैं आपके लिए CS 101 का फिफ्थ से लेके 8 तक लेक्चर लेके आया हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरे लेक्चर मिलते रहें ईज़िली। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और आज मैं आपके लिए CS 101 का फिफ्थ से लेके 8 तक लेक्चर लेके आया हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरे लेक्चर मिलते रहें ईज़िली। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट पर चलते हैं। फर्स्ट वेबसाइट इस टॉपिक के अंदर जो जो बताया गया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के अंदर आगे भी मतलब वेबसाइट के बारे में ज़्यादा बताया गया है, वेबसाइट्स को किस तरह ओपन करते हैं और वेबसाइट को किस तरह प्रॉपर वे में हम व्यू कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो किस स्टाइल से हम वेबसाइट के यहाँ पर सर्च इंजन में हम लिखेंगे, तो मैंने इस वजह से स्किप किए इतने लेक्चर ताकि जो सारे के सारे वेबसाइट्स के मुतालिक हैं तो ईज़िली सबको आते ही होते हैं, थोड़ा बहुत सीख लें तो वो उनको ईज़िली आ ही जाते हैं। तो मेरा मकसद था शॉर्ट लेक्चर बनाना, तो इस वजह से मुझे ये इस तरह लेक्चर बनाना शुरू किया। फिफ्थ से लेके 8 तक आपको इन्हीं में आपको सब कुछ बता दूँगा उनमें क्या क्या है इन शॉर्ट वे में। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं फिफा वर्ल्ड कप एट द रेट ऑफ फेसबुक हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखें फेसबुक खुल जाएगी, फिफा वर्ल्ड कप होम फेसबुक ओरिजिनल जो फिफा की वेबसाइट है वो खुल जाएगी एट द रेट ऑफ फेसबुक लगाने से। ये देखें सारे के सारे सर्च क्वेरीज इसके निकल आए हैं। आगे हम अगर हम फॉर एग्जांपल फिफा वर्ल्ड कप 2020 लिखेंगे तो ये फिफा वर्ल्ड कप के शेड्यूल बता देगा। यहाँ पे वैसे हम क्या नाम ये विकिपीडिया में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे सारी की सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसे ओपन करने से। ये देखें वीडियोस भी कुछ आ रही हैं यूट्यूब पे और ये नीचे पिक्चर लोगोस वगैरह आ गए हैं इसके मुतलका। वैसे हम फीफा वर्ल्ड कप लिखेंगे एट द रेट ऑफ ट्विटर लिखेंगे तो हमारे सामने फीफा वर्ल्ड कप फीफा ट्विटर आ जाएगी, ट्विटर किसकी वेबसाइट आ जाएगी ट्विटर में, जो कि एक सोशल नेटवर्क है और फीफा की प्रोफाइल खुल जाएगी। अच्छा तो अब हम अगली सिक्योरिटी जो है उसमें हम सर्च करने लगे हैं। लैपटॉप अगर हम लेना चाहते हैं तो लैपटॉप तो यहाँ पे गूगल पे हम लिख सकते हैं लैपटॉप अंडर 50,000 एंड 60,000 हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये देखें 57 उसने उसके दौरान में यानी कि दरमियान में जितने भी होते हैं ना पैसे उसमें इन्होंने हमारे सामने रिज़ल्ट दिखा दिया है। 50,000 से लेकर 60,000 तक इसने रिज़ल्ट दिखाया है। 52,990 ये देखें वेब्स तो हम साथ में लिख लेते हैं इन पाकिस्तान, ये देखें इंडिया आ गया, इन पाकिस्तान का इजाफा कर लेते हैं। ये देखें इन पाकिस्तान 48,461 का मिल रहा है, HP का मिल रहा है 47,000 का और ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ गए नीचे, मिस्टर लैपटॉप डॉट कॉम PKLab.PK ये सारी वेबसाइट्स हैं लैपटॉप के मतलब का। और इसने बिल्कुल लेटेस्ट रिजल्ट दिखाया 2020 में जो जो वेबसाइट्स हैं इनके जो जो नए नए लैपटॉप्स आए हैं उनकी बता रहा है। हम आगे चलते हैं #education लिखते हैं तो सबसे ये देखें एजुकेशन के बारे में आ गया, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में ये जो बुक्स हैं ये भी आ गई हैं डिफरेंट, ये ट्विटर में भी एजुकेशन के बारे में आ गई है वेब, इसके अंदर इंफॉर्मेशन बताई हुई है टीचिंग स्टोरी टेलर ये सब कुछ एजुकेशन के बारे में वीडियोज़ भी आ गई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द एजुकेशन उसको उसने मद्देनज़र रखते हुए गूगल ने एक यूनिवर्सिटी का भी बता दिया, लाहौर में एक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में। और क्या इसने ये सारी वेबसाइट्स हैं
इसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन एंड टीचिंग होती है। हम जैगवार स्पीड को लिखते हैं यहाँ पे, गूगल पे सर्च करते हैं तो दो तरह की जैगवार होती हैं, एक कार होती है, एक जैगवार एनिमल है, और इसने एनिमल के बारे में बता दिया और साथ साथ कार के बारे में भी, जैगवार के बारे में भी यहाँ पे वीडियोस आ चुकी हैं। क्यूरी से मिलती जुलती वो रिज़ल्ट दे देता होता है गूगल। ये पिक्चर्स लोगोस भी आ गए हैं, ये देखें एनिमल्स भी उसी के अंदर आ गए हैं जैगवार के। हम यहाँ पे जैगवार स्पीड और कार लिखते हैं, कार, तो हमारे सामने ये देखें स्पीड आ गई है जैगवार कार की स्पीड 200 मील्स पर आवर जैगवार की स्पीड। नीचे इसके मुतलक आ गई हैं सारी के सारी वेबसाइट्स, इनको क्लिक करने से और वेबसाइट्स खुल जाती हैं। ये देखें इज थिकर देन वाटर, ये एक बुक है, हमने यहाँ पे गूगल पे डायरेक्टली लिख दिया, और ये इसने विकीपीडिया पे डायरेक्टली, विकीपीडिया जो है ये एक रेफरेंस दे रहा है विकीपीडिया का, यहाँ पे यानी कि बुक पढ़ी है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी आ गई है, विकीपीडिया से उसने निकाल के दे दिया ये किस तरह की है, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। किसी भी चीज़ का हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे गूगल पे, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे इस साइड पे आ जाएंगी या फिर यहाँ पे लिखी आ जाएंगी सबसे टॉप पे। इसके बाद हम लिखते हैं आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, तो यहाँ पे आईफोन एप्पल की जो एप्पल और गूगल की जो वर्सेस करके ये दिखाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन को, दोनों को बिटवीन करके क्या क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ इस इनमें इन वेबसाइट्स क्यूरीज में बताया हुआ है। वीडियोस भी हैं आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड की बैटल। अब हम चलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ कैसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में डिफरेंट क्यूरीज के साथ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वैसे लिखते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट होगी उसे खोल देगा, लेकिन हम अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ हम लिख देते हैं LMS तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खोल देगी LMS। और अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ BSCS लिखते हैं और साथ में स्टडी स्कीम लिखते हैं, स्टडी स्कीम खुल गया, हम इसे खोलते हैं। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे, फिफ्थ सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं BSCS फी स्ट्रक्चर। हम कुछ और क्यूरी सर्च करते हैं यहाँ पे जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ लिख के। हम लिखते हैं जैसे रिजल्ट, ये देखें जिन्होंने टाइम बताया, डेट बताई है कि इस डेट पे रिजल्ट आता है। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ इसके साथ कुछ भी लिख सकते हैं, इनके इसके मुतलक ईजिली हम रिसर्च कर सकते हैं। सिर्फ कोर्सेज आ रहे हैं, कोर्सेज पे हम दबाते हैं, ये देखें ये वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी कोर्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। और चलिए हम लेक्चर का अख्ताम यहाँ पे करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हम आगे चल के कुछ स्किप भी करेंगे लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं लेक्चर वगैरह सारे के सारे।
Thank you.